हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पैटर्न किस तरीके से होता है, क्या शेड्यूल होता है, कब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है, मेंस एग्जामिनेशन क्या होता है, ये सब हम इस स्लाइड्स के लेक्चर में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये प्रेजेंटेशन कैप्सोन स्टडीज़ ने बनाया है। ये उनकी वेबसाइट है, ब्लॉग है, फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे जाइए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। सो किस तरीके से पैटर्न होता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, ये हम देख लेते हैं। तीन स्टेजेस में ये एग्जाम ली जाती है। पहला स्टेज है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और इसके चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, चार में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। निगेटिव मार्किंग रहती है यहाँ पे, इस बारे में आपका ध्यान रखना है। प्रिलिमिनरी एग्जाम के बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। अगर कोई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास हो जाता है तो उसको मेन एग्जामिनेशन, जो कि रिटर्न एग्जामिनेशन रहती है, वो देना पड़ता है। रिटर्न एग्जामिनेशन का मतलब होता है आपको क्वेश्चन दिया रहता है और आपको उसके आंसर कुछ लाइन्स में देना होता है, नियर अबाउट 200 to 300 वर्ड्स में। जो मेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और जो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है वो डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए चले जाता है मसूरी। अब हम देखते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किस प्रकार की होती है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में दो पेपर रहते हैं, एक पेपर वन होता है और एक पेपर टू होता है। पेपर वन 200 मार्क का होता है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके चार आंसर दिए रहेंगे, उसमें से एक आपको टिक करना होगा। पेपर टू भी 200 मार्क का होता है, जिसमें 80 प्रश्न अपने को हल करना पड़ता है, वो भी 2 घंटे का होता है। याद रखिए, इन दोनों पेपरों में निगेटिव मार्किंग होती है, और निगेटिव मार्किंग कितनी होती है, जितने एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है उसका एक तिहाई मार्क कट जाता है अगर आप गलत आंसर देते हैं। जैसे कि 200 मार्क का पेपर वन होता है और 100 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क का हो गया, तो उसका एक तिहाई मार्क कट जाएंगे अगर आप गलत जवाब देंगे तो। सिमिलरली इसमें भी, पेपर टू में भी ऐसा ही है। पेपर वन में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं ये हम थोड़ा सा देख लेंगे। इसमें करंट इवेंट्स पूछे जाते हैं कि अभी क्या हो रहा है, हिस्ट्री पूछी जाती है भारत की, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ये पढ़ना होता है। ये सबसे वास्ट सब्जेक्ट है और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। ज्योग्राफी पढ़ना होता है हमें। पेपर वन में पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं, साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन वन, पेपर वन के क्वेश्चंस होते हैं। पेपर टू में क्या पूछा जाता है, पेपर टू अभी अभी 2 साल पहले ही गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, पहले ऑप्शनल हुआ करता था। अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते थे, मिनिमम मार्क्स गवर्नमेंट बताती थी, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप ये क्लियर हो जाते थे, पर अभी भी अब ऐसा नहीं है। अब आपको इसमें कुछ मार्क्स स्कोर करना होता है और दोनों के मार्क जुड़ के कट ऑफ लिस्ट जारी की जाती है। सीसेट क्या होता है, सीसेट मैथ्स, लॉजिकल साइंस, रीजनिंग वगैरह इसमें पूछते हैं। आपको इंग्लिश के कॉम्प्रहेंसिव पैराग्राफ पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें फिर लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो पूछे जाएंगे, क्वांट्स पूछे जाएंगे, ठीक है।
डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, आपको चार्ट दे दिए जाएंगे, उस चार्ट को देख के आपको उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे। तो इस प्रकार का ये सीसेट पेपर टू जो है ये होता है। इन सब का सिलेबस मैं आपको दे दूंगा, बट आप इतना समझ लीजिए इसमें मैथ्स और इंग्लिश मेन होता है, और इसमें पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक साइंस रहता है। ये क्वेश्चन पेपर, रियल क्वेश्चन पेपर के स्नैपशॉट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हर एक कैंडिडेट को अलग अलग सेट मिलते हैं ताकि चीटिंग ना हो पाए। जैसे कि ये सेट ए है, वैसे बी सी और डी सेट भी मिलता है। ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इतना समझ लीजिए किस प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं क्वेश्चंस के। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश या हिंदी में दिया रहता है, राइट हैंड साइड में भी हिंदी या इंग्लिश दिया रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 9 पेपर देने होते हैं हमें, जिसमें से 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। लैंग्वेज में 2 पेपर कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज का, आप चाहे तो हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, मराठी सिलेक्ट कर सकते हैं, गुजराती, जो भी शेड्यूल लैंग्वेज है उनमें से कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा लैंग्वेज का पेपर होता है इंग्लिश। याद रखने लायक बात यह है कि ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और हर एक 3 घंटे के होते हैं, 300 मार्क के मिनिमम मार्क आप इसमें ला लेते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। और इसके मार्क ग्रैंड टोटल में पहले जुड़े नहीं जाते थे, अब शायद जुड़े जाते हैं। ये हो गए 2 लैंग्वेज के पेपर। एक एसे का पेपर होता है। एसे का पेपर इस तरीके से होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। फिर जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज़ मतलब वही जो हमने देखा था, जिसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वगैरह आ गए। हर एक पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट दिए रहते हैं। जैसे कि पेपर 2 में, जनरल स्टडीज़ 1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेन इंक्लूडेड है, ठीक है, वैसे ही अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है। तो जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, 3-3 घंटे का पेपर होते हैं। ये भी राइटिंग टाइप के होते हैं, ये सब पेपर राइटिंग टाइप के होते हैं, कोई भी MCQ टाइप के नहीं होते हैं। 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के हो गए हैं और अंत में 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, ये भी 3 घंटे के होते हैं, 250 मार्क्स के होते हैं। अब ऑप्शनल पेपर क्या होता है, ऑप्शनल पेपर का मतलब वो पेपर होते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं जो आपको खुद सिलेक्ट करना होता है। जब भी रिक्रूटमेंट की डिटेल्स आती है तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए होते हैं, कम से कम 20-25 सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है जिसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। अगर आप इंजीनियर है तो आप सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो जनरल स्टडीज में से भी कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग की ही सब्जेक्ट लीजिए, ठीक है। आप ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, हिस्ट्री भी ले सकते हैं, MA कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इन सब के मार्क मिला के 1750 मार्क होते हैं, बट 1750 मार्क में से क्वालिफाइंग मार्क भी गवर्नमेंट रिलीज करती है, और अगर आप कट ऑफ में पास हो जाते हैं तो आपका पर्सनालिटी या इंटरव्यू लिया जाता है गवर्नमेंट के जरिए, ठीक है। इंटरव्यू को 275 मार्क होते हैं और इन सब मार्क्स को मिला के आपके 2025 मार्क ग्रैंड टोटल होते हैं। और जो ग्रैंड टोटल में से मिनिमम कट ऑफ मार्क गवर्नमेंट रिलीज करती है और जो कट ऑफ मार्क पास कर लेते हैं वो IAS बन जाते हैं, वो ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाते हैं। अब बता देते हैं शेड्यूल कैसा रहता है एग्जामिनेशन का। नोटिफिकेशन, प्रिलिमिनरी का नोटिफिकेशन फरवरी मार्च में आता है। एग्ज़ाम होती है जून या अगस्त में। मेन एग्ज़ाम होती है, अगर आप पास हो जाते हैं तो दिसंबर में। इंटरव्यू मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने चलता है। और फाइनल रिजल्ट आता है
जून जुलाई में। सिलेबस बता दूं मेंस का, पेपर वन में हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट मेन है, पेपर टू में पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस ये दो सब्जेक्ट मेन है, पेपर थ्री में आपको एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स ये तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ना मेन है, ठीक है। पेपर फोर में एथिक्स इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। हमारी स्लाइड्स में हम लोग ना सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाएंगे बल्कि मेंस एग्जामिनेशन भी आप की प्रिपरेशन भी आपको हम लोग करवाएंगे, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होता है आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन दिया रहता है और उसके आंसर हमें लिखना होता है पेपर में, ठीक है। सेक्शन दो सेक्शन में डिवाइड होता है ये क्वेश्चन पेपर, इस तरीके से होता है, जस्ट जनरल आइडिया आप लोग ले लीजिए। तो आज की स्लाइड्स में इतना ही, ये था जनरल पैटर्न किस तरीके से होता इस तरीके का होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन का, ये समझाने के लिए ये स्लाइड्स हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।